अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से। तो हैदराबाद का मौसम है ना, आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़बरदस्त हो रहा। तो ये देखिए, बारिश हो रही, हवाएं चल रही और अबर अबर भी रह रहा माशाल्लाह से। इतनी गर्मी थी, बहुत अच्छी राहत मिली आखिरी में। सब्र का फल जो बोलते मीठा होता तो ये वही है। और इतनी बारिश हो रही, बिजलियाँ चमक रहे थे। और यहाँ पर देखिए, कैरियाँ लेके आए थे तो हमला सोचे कि आज घस के है ना इसकी चटनी बनाएंगे। तो देख, ये अच्छे घट भी हो रही है। और यहाँ पे है ना देखिए, पूरी कैरियाँ अच्छे से छिल के बारीक से घस लिए, यानी कि ब्रोकश, और साथ में छिल रहे थे लहसुन, क्योंकि हरी मिर्ची की चटनी बनाने वाले थे हम लोग, हरी मिर्ची यूज़ करके। आहिल दादा खलीस मोइन ना, बस देखो साइन को मैंने। और यहाँ पे देखिए, हरी मिर्ची, लहसुन और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करके ग्राइंडर कर रहे, ब्रोकश करे हुए जो कैरी है ना उसमें ऐड करने के लिए। यहाँ पे देखिए, एक 15 से 20 हरी मिर्ची, एक डली लहसुन जो कि अच्छे से बड़ी बड़ी, और उसको अच्छा छील लिए, साथ में ऐड करे 2 चम्मच नमक। आप नमक कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते। और ये देखिए, जब बारीक से अच्छे से ग्राइंड होने के बाद में कैरी में जो ब्रोकश करके रखे थे हम, उसमें ऐड कर लेना है। अब इसमें ऐड कर रहे ज़ीरा पाउडर। आप चाहे तो रेडीमेड भी लेके यूज़ कर सकते हैं, या घर में अगर ज़ीरा रहा तो उसको अच्छे से भून के बारीक से पाउडर बना के उसको ऐड कर सकते। और चटनी में सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके हम लोग साइड में रख दिए, एक 10-15 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए, अच्छे से उसमें का जो जूसी पना है वो आने के लिए। और उसके बाद में चाय का टाइम हो गया, तो हम लोग सोचे कि आज चाय जो है घर में नहीं बनेंगी, बाहर से मंगाएंगे होटल से। तो यहाँ पे देखिए, चाय आ गई हम लोग की बाहर से, हो गई है चाय। अभी मैं सर्व करने जा रही हूँ सबको, सर्व तो कर दी, देने जा रही हूँ। तो ये देखिए, पहले शुरुआत दादा पास से। दादा बस सुन रहे हैं गाने। चलो चाय ले लो दीदी, हाँ भी ले लो। नहीं ले रहे, चलो जान दो, चल चल, नहीं बोले ना। हेलो, भर के ले रहे क्या हूँ मोइन भैया, मुझे लेना ये मेरी है सकारी की चटनी। सलमान डी के पुकारे से कुछ भी सुनने नहीं आ रहा, फिर से बोलिए कंटिन्यू। ये हो गई कैरी की चटनी। अरे रे, किनारा तो आ गया। तो वहाँ पे देखे आप लोग, जैसे कि हम लोग चाय पी लिए, अल्हम्दुलिल्लाह चाय हो गई थी शाम की, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे बघार करने के लिए किचन में आ गई मैं चाय पीने के बाद में। यहाँ पे देखिए, मैं दिल ले ली 2 पल्ली तेल और साथ में ऐड करी ज़ीरा थोड़ा सा और साथ में राया। तो इसको अच्छे से लाल होने के बाद में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए, यहाँ पे मैं ले ली 1/2 चम्मच हल्दी, जिसको थोड़ा सा लाल करेंगे, जलाएंगे नहीं, ताकि एक अच्छा सा कलर और एक अच्छा सा फ्लेवर आए चटनी में। और यहाँ पे देखिए, बस चूल्हा बंद करके हमको हल्दी डालना है, जो कि गरम तेल में अच्छे से पक जाती। और यहाँ पे देखिए, चटनी में मैं ऐड कर रही हूँ ये बघार, और माशाल्लाह ज़बरदस्त लहसुन का और हरी मिर्ची का जो टेस्ट इसमें आया ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए कच्ची कैरी की चटनी माशाल्लाह से। तो आइए, मैं आप लोगों को अब सर्व करके बताती हूँ, और गरम गरम खाने में ट्राई ज़रूर करिए।
पहले तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो इनको देखो मैं महारानी बन के आई हूँ। और यहाँ पे है ना हमारे जेठ थोड़ी सी कॉमेडी कर रहे थे, जो कि ये बैनर्स वगैरह लेके गले में जो है मफलर वगैरह डाल के फोटोज़ खींच रहे, तो इतना हंसी आ रही थी। आप लोग देखिए आगे उमर वो पर्दा छोड़ो जी। मेरे जेठ लोग जो है सो बस एक दिन के लिए आए थे, तो बहुत एंजॉय करे उन लोग के साथ। और दूसरे दिन नाश्ते में मैं बनाई थी आम पूरी। इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी रेसिपी शेयर करूँगी ज़रूर से ज़रूर। तो चलिए आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अल्लाह हाफिज़।